वाले डिब्बे में सुषमा ने नमक रख दिया था, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो पहले टेस्ट करके क्यों नहीं देखा? तुम्हारे इसी टेस्ट करने के चक्कर में चने के आटे की जगह मसाला टेस्ट कर गई थी मैं। 2 दिन तक बोलना मुश्किल हो गया था मेरा। मेरे खानदान में किसी औरत ने आज तक खाना नहीं बनाया। तो फिर तुम्हारा खानदान बना कैसे? मेरे खानदान के बारे में जरा संभाल कर बात करो ईशान। आई एम सॉरी, बस चलो तैयार हो जाओ। That's like a good boy. मेरा मतलब है घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सुषमा तो सुबह आ रही है। तो तुम क्या उसे गुड मॉर्निंग कह के जाना चाहती हो? चलो उठो। प्लीज। इस वक्त कौन आया होगा? देखो ना। तुम देखो ना। प्लीज। रिंकू, फॉर माय सेक, प्लीज। ओके। तुम कहाँ छुप जाओ? कहाँ? उस पर्दे के पीछे। कहाँ? कहाँ? जल्दी छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। विशाल, 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 चलो उठो। देखो, देखो मैं आ गई हूँ। सुषमा, अरे वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यहाँ हॉल में क्यों सो रहे हो? कुछ मत पूछो, तुम्हारे बिना मैं हाल से बेहाल हो गया हूँ। अच्छा अच्छा, चलो उठो और बेडरूम में जाकर सो जाओ। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। रानी कहाँ है? उसे मैंने तुम्हारी बड़ी बहन के यहाँ भेज दिया है। क्या? मैंने सोचा बिल्कुल अकेली पड़ गई है, कुछ दिन उनके बच्चों में रहेगी। विशाल, ये तुमने क्या किया? वो लोग कभी भी हमारे यहाँ आते जाते नहीं है। हमारा ड्रामा तो देखने आते हैं, वो भी मुफ्त में। मैं उसे अभी फोन करके बुलाती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो तुम?
उसे अभी मत बुलाओ। क्यों? कल सुबह मैं खुद जाके उसे लेके आऊंगा। बस उसे पर्दे के पीछे छिपा दिया है। चलो बेडरूम में चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं मॉरिशस से तुम्हारे लिए क्या क्या लाई। डिनर पे कौन कौन था? ये मजाक करने का क्या नया तरीका ढूंढा तुमने? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस अबाउट दिस। आजकल तुम बिजनेस तो कुछ लाते नहीं हो, लेकिन हर किसी क्लाइंट को पार्टी जरूर देते रहते हो। माजरा क्या है केटी? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? दिस इज अ वेरी टिपिकल हाउसवाइफ रिएक्शन, और वो भी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की तरह देखती हो। हाउसवाइफ का कोई क्लास नहीं होता, ये मत समझना मैं कुछ जानती नहीं हूँ। अस्मिता तुम क्या कह रही हो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। केटी, सावी से तुम्हारा मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? मैंने अपना मॉडलिंग का प्रोफेशन इसलिए नहीं छोड़ा कि घर की चार दीवारी में बैठकर बच्चों की परवरिश करूं और तुम अपनी जनरल मैनेजर के साथ मौज मस्ती करो। मौज मस्ती? This is not expected of you, अस्मिता। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम ये सोचो कि मुझे तुमसे क्या उम्मीद है। केटी, केटी मुझसे डबल गेम मत खेलो। डबल गेम? जिंदगी में पहली बार तुमने मुझ पर यह इल्जाम लगाया है कि मैं तुम्हारे साथ डबल गेम खेल रहा हूं। अब तुम्हें मुझे ये एक्सप्लेन करना होगा, तुमने क्या देखा, तुमने क्या सुना जिससे तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारे साथ डबल गेम खेल रहा हूं। कहीं सुनी बातों से ज्यादा मेरा इंस्टिंक्ट रिलायबल है केटी। और ये मत भूलना, जब मैं मॉडलिंग कर रही थी तो मैंने बॉडी लैंग्वेज की बहुत अच्छी तरह से स्टडी की थी, और तुम्हारे तो खड़े रहने के तरीके से मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या हो रहा है। तुम्हारे मन में वही हो रहा है जो एक मुजरिम का लाइट डिटेक्टर के सामने होता है। तुम्हारे दिल की तेज धड़कनें मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। दिल की धड़कनें सेल्यूलर फोन की बेल जैसी हो गई? टेक्नोलॉजी। हेलो, गुड मॉर्निंग सावी। हाँ, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। तुम वो, अरे वहीं हमेशा की जगह पर मेरा इंतज़ार करो। ओके, बाय, सी यू। मैं सावी को पिकअप करने जा रहा हूँ, वो एक जगह मेरा इंतज़ार कर रही है, फिर वहाँ से मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है सावी के साथ। जाने से पहले मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें सावी से
ऐसा कोई खतरा नहीं है। केटी, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, ना सावी से ना तुमसे। वैसे सावी को तो मैं कॉन भी नहीं करती, लेकिन अगर खतरा है तो वो तुम्हें है। मुझे किससे? अपने आप से। सावी ने अगर तुम्हें डिच कर दिया तो तुम उसकी सहायता करोगे? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? You are just taking it for granted. वो जवाब दे तो रही हो अपने सवालों का। केटी, बच्चों की कसम खाकर कहो, तुम्हारा सावी से कोई संबंध नहीं है। अस्मिता, झूठ बोलने वाला आदमी कसम खाने के बाद भी झूठ ही बोलता है। तुम सावी को गलत समझ रही हो। एक बार उसे दोस्ती करके देखो, तब पता चलेगा किस तरह की औरत है वो। ठीक है, तुम सावी और उसके पति को एक दिन अपने यहाँ डिनर पे बुलाओ। उससे क्या होगा? उससे दोस्ती करने से पहले मैं उसे करीब से जानना चाहती हूँ। तो डिनर के बहाने आप अपना बॉडी लैंग्वेज का एक्सपेरिमेंट उस पर करना चाहती हैं? ओके, आई गेम फॉर दैट। ऐसा करते हैं, अगले संडे में सावी और उसके पति को डिनर पे बुला लेता हूँ। श्यामू नहीं आएगा केटी। मैं खुद आकर उसे इनविटेशन देने वाला हूँ। नहीं केटी, हो सकता है वो तुम पर बरस पड़े, गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा कह दे। नो प्रॉब्लम्स सावी, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आदमी की पहचान जितनी उसकी रिएक्शन से होती है उतनी उसकी एक्शन से नहीं होती है। प्यार में तो हर आदमी मीठी मीठी बातें करता है, उसका असली रूप तो तब सामने आता है जब वो गुस्सा होता है। गुस्सा होने पे पता चलता है कि आदमी किस मिट्टी का बना। फिर भी केटी, अगर श्यामू तुम्हारा अपमान करेगा तो? मैं पैदाइशी सेल्समैन हूँ सावी, अपमान बर्दाश्त करना मुझे आता है। लेकिन केटी, तुम श्यामू को डिनर पर क्यों बुलाना चाहते हो? ये तो मेरे होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, अस्मिता चाहती है। क्यों चाहती है वो? शायद तुम्हें करीब से देखना चाहती हैं। हम दोनों के बिहेवियर से वो शायद ये देखना चाहती हैं कि हम दोनों एक दूसरे के कितना करीब हैं। चलो, प्रोफेसर साहब को कल शाम का डिनर इनविटेशन दे दो। नहीं केटी। क्या हुआ? तुम उसे कुछ मत कहो, मैं ही उसे कह दूंगी कि केटी ने घर पर बुलाया। सुपर गैस एजेंसी, हेलो, वो गैस वाला अभी तक आया नहीं है हमारे यहाँ। लीकेज की कंप्लेंट दी थी ना मैंने। मानसी, मानसी, हाँ भेज दिया है, फिर वो अभी तक आया क्यों नहीं? शायद आ गया। थैंक यू। हाँ, हाँ आ गए तुम, गैस लीक हो रहा है, चलो जल्दी। अरे पीछे पीछे क्या देख रहे हो, किचन इस तरफ है। मैं गैस वाला नहीं हूँ। चमन, चमन, ये क्या उल्टा बना लिया है तुमने? तुमसे मिलने के लिए मैं गैस वाला बन गया हूँ। चमन क्या कर रहे हो तुम, बॉबी ने देख लिया तो? देख लिया तो भी पहचान नहीं सकेगा, असली यूनिफॉर्म है। लेकिन आज संडे के दिन पे बॉबी घर पे रहते हैं, पता नहीं है तुम्हें? इस वक्त है? इस वक्त नहीं है, मगर किसी भी वक्त आ सकता है वो। आएगा तो मैं गैस वाला बन जाऊंगा, सिंपल। चमन, तुम जैसा बहरूपिया मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। मेरे लिए तुमने कितने रूप बदले हैं, कभी कभी पुलिस वाला बन गए, कभी नौकर बन गए, कभी कूली बन गए, और आज ये गैस वाला बन के आए हो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे लिए बॉबी मेहरा भी बन जाऊं। तो फिर मैं तुम्हें भी तलाक दे दूंगी। नहीं नहीं, तो फिर मैं जमन ठक्कर ही ठीक हूँ। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है जमन, बॉबी ने आज तक तुम्हें पहचाना कैसे नहीं? इसी बात से तो पता चलता है कि वो एक नंबर का बेवकूफ है। तुम यहाँ आए क्यों हो? अरे भाई, एडवोकेट तलाक वाला से मुझे पता चला है। हाँ। कि बॉबी मेहरा मेरे खिलाफ कोई सबूत उनके सामने रखने वाला है।
आइए एडवोकेट तलाक वाला, मैं आपके लिए बस स्टॉप पे वेट कर रहा था। पर बात ऐसे नहीं दिखा कि मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतर गया। गलती से नहीं, जानबूझकर ऑन पर्पस। जो बात ऐसे नहीं कि बस में मियां बीबी का झगड़ा हो रहा था, हम समझा कि बिजनेस मिल जाएगा। हाँ, मिल गया? नो, अनफॉर्चुनेटली नॉट। नेक्स्ट स्टॉप आते पहले वो लोग में कॉम्प्रोमाइज हो गया। लकी गाय, एक मैं ही बदनसीब हूँ जिसका बीवी के साथ में कॉम्प्रोमाइज ही नहीं हो रहा है। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आइए आइए वकील साहब, बैठिए प्लीज। मानसे, वकील साहब के लिए चाय वाय लाओ। चाय वाय कुछ नहीं मिलेगी, गैस लीक हो रही है। ये तुम्हारी बगल में कौन भूत खड़ा है? सिलेंडर की माफी किधर क्या खड़ा है? अंदर जाके गैस लीक करो ना। ये वकील मेरे घर में क्या कर रहा है? मैंने बुलाया है नमन ठक्कर के खिलाफ, जो मैंने सबूत इकट्ठा किया। तुम इधर खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाके अपना काम करो ना। क्या सबूत है चमक के खिलाफ तुम्हारे पास? सबूत चाहिए जी। अभी बताता हूँ। बताओ। वकील साहब, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनसे ये साबित होता है कि जमन ठक्कर मेरी बीवी से अलग अलग रूप में मिलता रहता है। ये झूठ है। देखिए, ये जमन ठक्कर है और ये देखिए, ये भी जमन ठक्कर है, बाप के रूप में साफ। क्या बात कर रहे हैं? और भी बहुत सारे हैं। ये देखिए, यहाँ पर वो हवालदार बना है और ये यहाँ पर नौकर बना है, दाढ़ी पोंछ रहा है। और ये देखिए, ये डॉक्टर बना है। और ये लेटेस्ट फोटोग्राफ है। ये खाकी यूनिफॉर्म में कौन है? यहाँ पर वो गैस वाला बना है। ये लीजिए, ये देखिए कैसे बातें कर रहा है, देखा आपने? ये कब लिया? अरे तुझे क्या कर रहा है, तू अंदर जा। सावी, मेरी तरफ देख। क्या है बुआ? मेरे सर पर हाथ रख। क्यों? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा कि तू अपने पति से वफादार है। ये तुम क्या कह रही हो बुआ? तो फिर बता, मेरे सवाल का जवाब दे। ऐसे घिनौने सवाल मुझसे मत किया करो बुआ। मेरा किसी भी पराए मर्द के साथ कोई संबंध नहीं है। तो फिर तुझे रोज रात को आने में देर क्यों होती? बड़े बड़े होटलों में पार्टियां। ऐसा तुमसे किसने कह दिया बुआ? किसी ने भी कहा हो, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या यह सच है? ये सब तुमसे किसने कहा? श्यामू ने? श्यामू का नाम मत ले, वो तो बेचारा एक शरीफ इंसान है और दुनिया का सबसे बदनसीब भी, जिसे तुझ जैसी बीवी मिली। बुआ आहिस्ता बोलो, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें ऐसा किसने कहा? मैं उसकी खाल खींच लूंगी। खाल तो मुझे तेरी खींचनी चाहिए, शर्म नहीं आती ऐसा छिछोरापन करते हुए? मैंने कोई छिछोरापन नहीं किया बुआ। तो फिर तेरे और केटी के बीच में जो चल रहा है वो क्या है? हा? मैं समझ गई बुआ, तुम्हें जरूर श्यामू ने भड़काया है। इससे श्यामू का कोई ताल्लुक नहीं, मुझे एनोनिमस कॉल्स आए हैं। एनोनिमस कॉल्स? हाँ, किसी अनजान आदमी ने तेरे और केटी के बीच में जो चल रहा है वो सब बताया। कोई अनजान आदमी नहीं हो सकता बुआ, ये श्यामू की हरकत है। मैं अभी उसे पूछती हूँ। श्यामू! सावी, पागल हो गई है क्या? खबरदार जो मेरे सामने श्याम का अपमान किया तो। क्या है? तुम बुआ के घर अनोनिमस कॉल्स करते हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? बुआ कह रही है कि कोई उन्हें मेरे और केटी के बारे में लगातार अनोनिमस कॉल्स कर रहा है। ऐसी गंदी हरकतें मैं नहीं करता। तो और कौन करेगा? पूछो अपने केटी से, मुझे क्या पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरे मैके वालों तक और कोई नहीं पहुंच सकता। श्यामू, अगर ये हरकत तुम कर रहे हो तो लानत है तुम पर। सावी, उसे बोलने दीजिए, लगता है उसका झगड़ा हो गया है किसी से, जिसकी भड़ास वो मुझ पर निकाल रही है। श्यामू! गुड इवनिंग। केटी, आप अचानक? आप लोगों को मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, आइए ना आप। थैंक्स। हाँ प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? बुआ जी,
मुझे आपने कैसे पहचाना? उस रात मिले थे होटल में। ओ हाँ, कैसे आना हुआ? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से हाय हेलो करता चलूं, और इनके लिए जरा परेशान था। क्यों? आप इसके लिए क्यों परेशान थे? ऑफिस में मुझे बताया कि साविया आज जल्दी घर आ गई थी। मैंने ही उसे फोन करके जल्दी बुलवाया था। ओह, और मैं समझा कि इनकी तबीयत खराब हो गई है। इसकी तबीयत की चिंता आप क्यों करते हैं? प्रोफेसर वर्मा किस लिए हैं? बुआ मजाक कर रही है। हाँ, मैं जानता हूँ बुआ जी मजाक कर रही है, लेकिन बुआ जी मेरी आदत है कि मैं स्टाफ की चिंता करता हूँ, खास करके लेडी स्टाफ को लेकर मैं ज्यादा केयरफुल रहता हूँ। जरूरत पड़े तो ऑटो तो भेज आके भी उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी गाड़ी में घर तक भी छोड़ जाता हूँ। कहीं इससे नए प्रॉब्लम्स तो खड़े नहीं हो जाते? मेरे यहाँ आने से पहले कहीं यही मुद्दा तो डिस्कस नहीं हो रहा था? नहीं नहीं बुआ, तो यूं ही आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए ना। श्यामू, तुम इनसे बात करो, मैं कुछ चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। नहीं, फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं, आप पहली बार तो आए हैं हमारे घर। हाँ, बाहर से तो हमेशा ही जाते हैं। जी हाँ, मैं जब भी सावे को ड्रॉप करता हूँ, वो मुझे दूर से दिखाती है कि वो देखिए पति इंतजार कर रहा है। आई थिंक दैट्स क्यूट। वो काफी पुरानी बात हो गई, आजकल मैं उसका इंतजार नहीं करता। क्यों? मैंने उसे बीबी पब्लिसिटी पर कुर्बान कर दिया है। नहीं, बस आपसे इजाजत। गुड नाइट प्रोफेसर। हसरते ही हसरते हैं और